गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू न्यू मॉर्निंग ग्लोरी ऑनलाइन क्लासेस. सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज प्रोनाउंस. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रोनाउंस. सो प्रोनाउंस क्या होते हैं? तो प्रोनाउंस होते हैं द वर्ड्स दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउंस. ऐसे वर्ड्स जो नाउन की प्लेस पे यूज किए जाते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउंस. ओके, सो दोज वर्ड्स विच आर यूज ऑन द प्लेस ऑफ नाउंस. अब नाउंस क्या होते हैं? द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ठीक है, तो उनकी जगह पे जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउंस. ओके, सो लेट्स सी दिस. आई, शी, ही, इट, वी, यू एंड दीज ऑल आर प्रोनाउंस. सो नाउ वी विल सी दैट व्हाट दे आर कॉल्ड. सो यहाँ से यहाँ तक जो है इनको हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं. क्या कहते हैं? वी कॉल इट सब्जेक्ट प्रोनाउंस. ओके, आई यानी कि जो मतलब मेरे लिए खुद के लिए यूज होता है उसको कहते हैं आई. शी यानी कि कोई गर्ल के लिए यूज होता है. ही यानी कि कोई बॉय के लिए यूज होता है. लाइक आई का एग्जांपल हम लोग लेते हैं. सो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग फुटबॉल. ठीक है, शी का लेते हैं तो शी इज़ डांसिंग. ही का लेते हैं तो ही इज़ सिंगिंग. ओके, इट का लेते हैं तो इट मतलब इट इज़ अ बिल्डिंग. ठीक है, ऐसे हम लोग इन सब के कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं. लाइक वी आर प्लेइंग क्रिकेट. यू वी जो है वो मतलब प्लूरल के लिए यूज़ होता है और आई, शी, ही और इट ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है. सिंगुलर मीन्स ओनली वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन. ठीक है, तो वी, यू, दे ये होता है हमारा प्लूरल के लिए यूज़. अब जो यू है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ हो सकता है. दिस एंड दैट, देखो अब इन चारों में जो है कन्फ्यूज़न हो सकता है कि दिस, दैट और दीज, दोज में क्या डिफरेंस होता है, इनमें कैसा कन्फ्यूजन होता है. तो दिस और दीज ये दोनों ही, दिस और दीज ये दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं. ठीक है, मतलब कि ये दोनों ही ये दिखाते हैं कि वो हमारे पास में हैं. दिस होता है सिंगुलर के लिए, दीज होता है प्लूरल के लिए. और ये दोनों दिखाते हैं कि वो चीज़, जो भी चीज़ हम लोग उसके थ्रू इंडिकेट कर रहे हैं वो हमारे पास में है. ठीक है, लेकिन दैट क्या शो करता है? दैट और दोस ये दोनों शो करते हैं कि वो हमसे फार अवे है, वो हमसे दूर है. ठीक है, सो ये दोनों होते हैं सेम और ये दोनों सेम होते हैं. इनमें क्या डिफरेंस होता है कि ये जो दिस एंड दैट है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं एंड दीज एंड दोज है वो प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं. दिस दैट सिंगुलर के लिए, दीज दोज प्लूरल के लिए. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. ठीक है, ये सब जो है इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, जो किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होते हैं और ये सब्जेक्ट के लिए यूज़ होते हैं. सो मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम ये सब किन की जगह पे यूज़ होते हैं? तो मी जो है वो आई को इंडिकेट करता है. मी मतलब भी मेरा ही होता है और आई मतलब भी मेरा ही होता है. अस, अस जो है वो वी को इंडिकेट करता है. मतलब वी भी मतलब बहुत सारे प्लूरल के अंदर आ जाता है. एंड अस मतलब हम सब. यू मतलब तुम्हारे लिए. ठीक है, तो ये भी यू के लिए ही होता है. यू की जगह पे यू ही रहता है, सेकंड पर्सन. हिम, हिम जो है वो ही के लिए. हर जो है वो शी के लिए. इट तो इट सेम ही रहता है. एंड देन देम है वो दे के लिए यूज़ होता है. एंड इन सबको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. ठीक है, ये हमारे हो गए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस. नाउ वी विल सी दैट व्हाट आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. ओके, सो अब हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं. सो वो प्रोनाउंस जिसमें जो एक्शन जो हम लोग करते हैं वो पर्सन को अफेक्ट करता है. ठीक है, वो उस पर्सन के लिए अफेक्ट करता है, वो उसके ऊपर ही हो रहा होता है. तो जो पर्सन उस एक्शन को कर रहा होता है उसको अफेक्ट करता है, उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ रूल्स होते हैं. इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के इक्वल होते हैं. ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जो वो मेजर्ड क्वांटिटी होती है वो इक्वल होती है. अब इसमें भी टू पार्ट्स आते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. देखो सिंगुलर एंड प्लूरल है वो हर जगह ही आता है. सिंगुलर मतलब ओनली वन एंड प्लूरल मतलब मोर देन वन. ठीक है, तो सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो इसमें क्या आता है? जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर जो है वो सेल्फ से इंडिकेट होते हैं
और प्लूरल जो है वो सेल्फ से इंडिकेट होते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर में देखो क्या एग्जांपल है, माई सेल्फ, योर सेल्फ। लाइक माई सेल्फ को हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सो डू योर वर्क, योर सेल्फ, योर सेल्फ एग्जांपल है, आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है। सो ये हमारे एग्जांपल होते हैं, माई सेल्फ मतलब खुद से, योर सेल्फ मतलब कि जो तुम है वो तुम्हारे मतलब तुमसे ही करो और किसी से मत करवाओ। प्लूरल रिफ्लेक्सिव, प्लूरल रिफ्लेक्सिव में क्या आते हैं, आवर सेल्स और योर सेल्स, यानी कि जब मोर देन वन यानी कि प्लूरल फॉर्म में कोई आ जाता है तो उसको हम लोग आर सेल्स या योर सेल्स से इंडिकेट करते हैं, ओके। सो ये होगा हमारे सिंगुलर रिफ्लेक्सिव एंड प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, द डॉग प्लेड विद द बॉल, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जांपल है क्योंकि इसमें जो डॉग है उसको ये एक्शन अफेक्ट कर रहा है कि वो उससे प्ले कर रहा है, ठीक है। सो द यहाँ पे जो डॉग है वो होगा हमारा सब्जेक्ट, लाइक जो डॉग है वो बॉल के साथ में प्ले कर रहा है, ठीक है। तो जो डॉग है वो उसका सब्जेक्ट होगा और बॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और डॉग को ये जो है एक्शन अफेक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जांपल कहेंगे, ठीक है, ओके। सो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, मतलब प्रोनाउन के बारे में इतना हमें शॉर्ट क्लासेस में इनफ है, ठीक है। सो आपको इस चैप्टर को एकदम अच्छे से रीड करना है एंड इस वीडियो को जितनी बार हो सके उतनी बार देखना है। सो हमने आज क्या पढ़ा, व्हाट इज़ प्रोनाउन, वर्ड्स दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स, नाउन्स की जगह पे, नेमिंग वर्ड की जगह पे जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उनको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। अब वो वर्ड होते कौन से हैं, आई, शी, ही, इट, वी, यू, दे, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। ये सारे वर्ड एंड इवन सब्जेक्ट प्रोनाउन्स एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन्स को मिला के जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे वर्ड इंक्लूड होते हैं प्रोनाउन्स के अंदर, ठीक है। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी इसका एक टाइप होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जब कोई एक्शन एक जो पर्सन उस एक्शन को कर रहा है उसको अफेक्ट करता है तो हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की क्वांटिटी इक्वल होती है, वो दोनों सेम होते हैं। सिंगुलर में माई सेल्फ, योर सेल्फ, एक्सेट्रा, प्लूरल और रिफ्लेक्सिव में आर सेल्स, योर सेल्स, देम सेल्स, ठीक है, ये सब आते हैं। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, द डॉग प्लेड विद द बॉल, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। डॉग यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड द बॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। बॉल ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि बॉल जो है उस एक्शन को रिसीव कर रही है। अब जो डॉग है वो उसके साथ प्ले कर रहा है तो वो पूरा एक्शन हो किस पे रहा है, वो बॉल पे हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट होगी। और उसका सब्जेक्ट कौन है जो उस काम को कर रहा है, ठीक है, वो होगा हमारे यहाँ पे डॉग, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया है। सो बाय एवरीवन एंड रीड इट योरसेल्फ।